द क्वेश्चन इज फॉर एनी वेक्टर ए शो दैट ए क्रॉस आई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है यहाँ पर प्लस ए क्रॉस जे स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो हमें गिवन है कि हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, उसके लिए हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं वेक्टर ए की वैल्यू। सो लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। तो अब देखो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए क्रॉस आई, तो पहले हम ए क्रॉस आई जो है वो सॉल्व करते हैं, राइट। तो ए क्रॉस आई में हमें क्या करना होगा, आई वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है, ए वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास आई के साथ। तो अब देखो इसको आपको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल वेक्टर आई ही है यहाँ पर, तो हम यही से एज इट इज़ करेंगे। तो ए वन आई क्रॉस आई, ए टू जे क्रॉस आई, ए थ्री के क्रॉस आई। अब क्रॉस प्रोडक्ट का हमारे पास क्या रूल होता है, देखो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो अगर आप सेम वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो वो ज़ीरो आएगा। एंड दूसरी बात, आप आई जे के अगर ये हमारे पास ऑर्डर में है, यानी कि आई क्रॉस जे है, देन इट विल बी इक्वल टू के। लेकिन अगर रिवर्स ऑर्डर में होता है, जे क्रॉस आई, देन इट विल बी इक्वल टू माइनस के। यानी कि जब भी हमें मल्टीप्लीकेशन देखनी है यहाँ पर, तो जो ऑर्डर है उसे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए वन आई क्रॉस आई तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ए टू जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई देखो अपोजिट ऑर्डर में है, तो यहाँ माइनस ऑफ के आएगा, प्लस ए थ्री के क्रॉस आई, के बाद देखो हमारे पास आई ही है, तो के क्रॉस आई हमारे पास क्या हो जाएगा, जे। तो ये वेक्टर हमारे पास आ गया ए टू माइनस ऑफ ए टू के प्लस ए थ्री जे। अब मुझे क्या करना था, इसका मैग्नीट्यूड एंड देन स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है यहाँ पर, ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, अंडर रूट था और उसका होल स्क्वायर हो गया, तो अंडर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स हमारे पास ये ए टू स्क्वायर और ए थ्री स्क्वायर आ गया, राइट। सिमिलरली ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे ए क्रॉस जे, ए क्रॉस जे का स्क्वायर आप ये सिमिलरली ऐसे फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए थ्री स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर। और अगर हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस के, देन हमारे पास आ जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। तो हमारे पास ऐसे ही तीनों वैल्यूज जो है वो आ चुकी हैं। नाउ इन सबको हमें ऐड करना है, ए क्रॉस आई स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के स्क्वायर। तो वैल्यू सारी ऐड करते हैं तो क्या आएगा, ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। तो सारे ये टू टाइम्स हो गए, टू ए वन स्क्वायर, टू ए टू स्क्वायर एंड टू ए थ्री स्क्वायर, टू कॉमन। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, ए वन स्क्वायर, ए टू स्क्वायर एंड ए थ्री स्क्वायर। और ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही तो आ गया है। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वन स्क्वायर, ए टू स्क्वायर एंड ए थ्री स्क्वायर, राइट। तीनों की एडिशन एंड अंडर द रूट, बट यहाँ पर साथ में स्क्वायर है, तो यही हमारी राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करनी थी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।